10 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ फिक्स आइडियल गैस है। चलो हम लोग पास आइडियल गैस मान लेते हैं। अब टेम्परेचर है, टेम्परेचर टी है 10 डिग्री सेल्सियस, 10 प्लस 2 73, इसमें ऐड कर दो मतलब ये आ जाएगा 383। ओ ओ ओ, ओ 283, क्या कर रहा हूँ भाई, तो ये आ जाएगा 273, इसमें ऐड कर दोगे तो 283। जब हमने टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया तो T2 110 110 डिग्री सेल्सियस प्लस इसमें 273 में ऐड कर दूँ, समझ रहे हो बात अच्छे से, तो ये आ जाएगा 383 केल्विन, ये केल्विन में आ गया। तो डेंसिटी डिवाइडेड बाई प्रेशर इज पी। अब एक नंबर यहाँ से डिवाइड करा, डेंसिटी डिवाइडेड बाई प्रेशर इज एक्स। डेंसिटी क्या करा, डेंसिटी फिक्स मास आइडिया डिवाइडेड बाई प्रेशर रो बाई पी एक्स है। तो यहाँ पर रो बाई पी की वैल्यू एक्स डैश हमें निकालना है, ये कितना होगा जब आप टेम्परेचर इतना था और आपने टेम्परेचर इतना कर दिया। चलो तो ये आसान सवाल है, इसको मैं आसान कैटेगरी में रखता हूँ क्योंकि ये इसको पी बी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस से कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, पी इज इक्वल टू एन मास ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम, आर टी मतलब रो, आर टी डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को, मास ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम को इधर लाए, और मास ऑफ द गैस, वॉल्यूम, डेंसिटी, आर टी और मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब ये हुआ कि हमें डेंसिटी डिवाइडेड बाई पी निकालना है, तो यहाँ से डेंसिटी पी को इधर ले जाओ, बाकी सबको इधर लेके आओ। तो एम आर टी और रो डिवाइडेड बाई पी, ये वाली चीज दैट इज गिवेन एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो बाकी गैस के लिए कॉन्स्टेंट है, मतलब ये जो x है टेम्परेचर के, यहाँ से देख सकते हो x इस इक्वेशन से रो डेंसिटी डिवाइडेड बाई प्रेशर x से टेम्परेचर से इनवर्स में रिलेटेड है यार। तो जब इनवर्स में रिलेटेड है तो x और t आपस में इनवर्स में रिलेटेड है, डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं x और t, बाकी सारे कॉन्स्टेंट है, x इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो यहाँ से डायरेक्ट अब मुझे सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हमें चाहिए x डैश अपॉन x इज इक्वल टू टी टू अपॉन, इनवर्स में रिलेटेड है ना, तो टी वन अपॉन टी टू। तो टी वन की वैल्यू कितनी है, 283 डिवाइडेड बाई 383 एक्स, दैट इज x डैश, दैट इज बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, आसान तरीके से हम लोग इसको करके